और यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। क्रिप्टोजेंस में तो क्या बनता है, C6H12O6 और +6H2O बन जाएगा, ठीक। और A6O2 निकलता है। ये बेसिकली ये रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस, अगर देखा जाए फोटो सिंथेसिस इज ए फिजियो केमिकल या फोटो केमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजियो फिजिको केमिकल या कह सकते हैं फोटो केमिकल। प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट आर क्या होता है, सिंथेसाइज होता है ना। फ्रॉम इन इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जैसे आपने बोला इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन यूज होता है, बेसिकली वाटर और इसी में मिनरल रहता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि नहीं। प्रेजेंस ऑफ लाइट पिगमेंट एंड ऑटो क्या होगा, इज इवॉल्व एज बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन क्या होगा, इवॉल्व होगा। आर वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट। तो एक तो ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा डिफिनेशन बहुत बड़ा है, पूरा वही बात लिख दिया गया है, आप जानते हैं बचपन से पढ़ते आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, यानी कि अगर देखा जाए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे पूछा जाता है, किसे बोलते हैं, सनलाइट को बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। तो यहाँ पे सनलाइट एनर्जी को क्या कर देता है, केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक। यानी कि देखा जाए तो फोटो सिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होगा तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फोटो सिंथेसिस इज ये रेडॉक्स रिएक्शन ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन ऑफ H2 अकर। नाइस। प्रोवाइड्स एच आयन एंड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड रिडक्शन
अब कार्बन डाइऑक्साइड, ये छः डार्क रिएक्शन में करता है पूरा, मतलब हमें ये पढ़ना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बायो सिंथेटिक फेज। इसे बायो सिंथेटिक फेज बोला जाता है। और सबसे जरूरी है ये दोनों, यानी कि सिंथेटिक एंड एनर्जी अब्जॉर्बिंग दोनों फेज होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। इज एन एनाबोलिक, यानी कि सिंथेसाइजिंग एंड इंडरगोनिक, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्बिंग। प्रोसेस मतलब दोनों प्रोसेस। ठीक, तो ये तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए कि फोटोसिंथेसिस के छोटे छोटे मतलब ऐसे क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कुछ एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है बुक में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी दिया है, जैसे एक आप देखते हैं कि मोल्स हाल लीफ एक्सपेरिमेंट आप हो सकते किए हो, जानते हैं एक्सपेरिमेंट। नहीं एक्सपेरिमेंट मतलब छोटे छोटे हैं, जैसे मतलब कि उसको मान लीजिए लीफ को, ठीक है, पत्ते को थोड़ा डार्क कहीं पे बांध देते हैं, ठीक है, तो आपका और क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी ग्रीन कलर हट जाएगा। नहीं, उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट। अब इसलिए ये हम करा रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाले चीज भी इन्होंने लिख दिया है अपने वाले सिलेबस में, ऐसे पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मतलब पढ़ लेते हैं लोग। इसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए ये लीफ है, कहीं पे लीफ ले लिया, ठीक, और इस लीफ को मतलब एक बोतल में जिसमें मतलब KOH हो उसको ऐसे रख दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, बंद करके ऐसे रख दिया इतना। इसमें KOH क्या काम करता है बता सकते हैं? हाँ, KOH ये मॉइस्चर किसी डिसोल्व का करने का। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में क्यों कोई वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों अब्सॉर्ब करता है? KOH मतलब एक K2O3 बना लेता है, उस तरह से बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना देता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है इसमें। ये पिछली बार केमिस्ट्री में पूछा गया था KOH, मतलब 2022 में पूछा गया था, पूछा जाता है ना कौन क्या ऑब्जर्व करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर होता है KOH। तो इसमें कह सकते हैं ऐसे छोटा सा एक्सपेरिमेंट, हम नेम केवल बता रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो इसमें ये पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इज रिक्वायर्ड होता है। हम एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहे हैं जो पूछा जा सकता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक।
फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होता है, ठीक है बस। और इसमें कोई वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंट वाला स्किप करते हैं। हिस्ट्री पर इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं, ठीक है। ये केवल पॉइंट पॉइंट लिखा दे रहे हैं, बस पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री से भी कम ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन भाई दिया है तो हम पढ़ाएंगे उसको, ठीक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब देखिए एक तरह से ये मिथ था आप हम लोगों के लिए या मतलब पूर्वज के लिए कि मतलब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है कंप्लीट। इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे ना, तो एक तो कोई बता नहीं पाया होगा अच्छे से, तो हम पॉइंट पॉइंट जो मेन मेन पॉइंट है वो लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट वैसे तो इनसे भी पहले हुए लेकिन लिख ले रहे हैं, हेलमोंट वॉन हेलमोंट। इन्होंने बेसिकली क्या बताया, इन्होंने बोला फूड जो होता है कम फ्रॉम वाटर नॉट दिस सॉइल, ऐसा इन्होंने बोला। बातें बताइए इनकी सही है नहीं। इन्होंने बोला फूड जो आता है वो वाटर से आ रहा है, मतलब कि सॉइल से नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा हाँ ऐसे जॉन पेस्टले, जॉन पेस्टले के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, जॉन पेस्टले जोसेफ पेस्टले। तो इसमें प्लांट रीस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग, ये आपके बुक में जो बर्निंग कैंडल वाला दिया था ना वही एक्सपेरिमेंट दिया है ना। अगर हम बर्निंग कैंडल रिमूव कर देते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे प्लांट एंड कैंडल इन क्लोज्ड जार, ये एक्सपेरिमेंट इनका था, ठीक। तो अगर देखा जाए इस तरह से पॉइंट वन के ऊपर नहीं, मान लीजिए आ जाए जो अभी बता देते हैं कौन ज्यादा पूछा जाता है उसको तो याद ही रखना। तो ये भी छोटे में बच्चों में तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बर्निंग कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ठीक है। लेकिन आप में उतना नहीं, बर्निंग कैंडल और है ना बुक में बना हुआ फिगर, हाँ शायद है। है ठीक। इसके बाद देखे जॉन एगन हॉज, जॉन जॉन होता है ना GON, हाउस। तो इन्होंने सनलाइट फॉर, इन्होंने बोला कि सनलाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वाटिक प्लांट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया एक्वाटिक प्लांट, ठीक है। सैक, सैक तो मतलब अगर देखा जाए तो ये बेसिकली मटेरियल इकट्ठा करने में थे, जैसे मान लीजिए प्लांट में कौन कौन से मिनरल होते हैं पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सैक का, यहाँ पे भी है प्लांट जीवी और शख्स है ना प्लांट वो तो।
प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज, वही है ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन्होंने बोला कि मतलब प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पांचवा अगर देखा जाए तो एंगल मैन, और इनका एक्सपेरिमेंट कहाँ है ये पूछा जाता है, किस जगह पे, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट विद ग्रीन एल्गा, और ग्रीन एल्गा में कौन था, एलगी क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा है ना, तो क्लेडोफोरा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली। और बेसिकली इन्होंने कर्व मतलब बनाया, कर्व्ड आउट एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, तो इन्होंने मतलब एंगेलमैन वॉन नील का बहुत एक्सपेरिमेंट है, और किस पे एक्सपेरिमेंट किया है वॉन नील ने, 6th पॉइंट वॉन नील सब आपके बुक में दिया है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। वॉन नील एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक। और इन्होंने बोला फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट होता है, लाइट डिपेंडेंट। एक तो ये बता दिया, दूसरा पॉइंट यस टू देखिए, फ्रॉम सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। 7th पॉइंट रॉबर्ट हिल, जानते हैं रॉबर्ट हिल ने क्या क्या, आर हिल, प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू जनरेट रिड्यूसिंग पावर, ऐसा इन्होंने थोड़ा केमिकली बताया। यहाँ पे आप देखिए 8 जो है थियोडर डी सोस्यूर डे, ये बहुत अच्छा बताया। जैसे अभी तो ये पता चल गया लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, इन्होंने बताया कि वाटर इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इन्होंने बोला H2O इज इसेंशियल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इमर्सन इफेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इमर्सन इफेक्ट कौन से रूप में, हम लोग नीचे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इन्होंने इमर्सन ने दो चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ना है, इमर्सन में टू फोटो सिस्टम इन्होंने बताया था, फोटो सिस्टम दोनों हमें पढ़ना है, और दोनों अकॉर्डिंग टू नेम जो पढ़ा है वो किसके अकॉर्डिंग है, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है, वर्क के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बार बार हम बोलेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। वैसे तो देखा जाए फोटो सिस्टम सेकंड से ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन फोटो सिस्टम पहला डिस्कवर किया है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड बोलते हैं, ठीक है।
पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। तो ए इमर्सन ने बताया था, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहीं से। तो इमर्सन यहाँ पे देखा जाए, रेड ड्रॉप इफेक्ट पूछा जाता है, इमर्सन इफेक्ट। और बेसिकली जब रेड लाइट पड़ती है तो फोटो सिंथेसिस ड्रॉप हो जाता है उसे रेड, जैसे स्लाइटली लाइट एंड और रिएक्शन बेसिकली, रिएक्शन बहुत काम की चीज है सर। और जान ही रहे हैं इसमें हमें साइंटिस्ट एक बने हुए हैं जो बेसिकली कौन है, मेल्विन कैल्विन। ठीक, तो एम कैल्विन मतलब देखा जाए तो कैल्विन साइकिल बताए। कैल्विन साइकिल ऐसा कोई प्लांट नहीं है जहाँ पे कैल्विन साइकिल ना हो, C3 साइकिल। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं फोटो सिंथेटिस, यानी कि रॉ मटेरियल क्या क्या होता है। अब साइंटिस्ट कितने हो गए। ठीक, फोटो सिंथेटिस, फोटो सिंथेटिस, फोटो सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है रे। अब तो इतना लग ही गया, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होगा, मटेरियल का लिस्ट बताइए। एक तो रॉ वाटर, मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एंड सनलाइट, और एंड पिगमेंट। पिगमेंट जरूरी है ना। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो यहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, मतलब कि पिगमेंट के बारे में। ऐसे तो पिगमेंट मैंने याद करवा दिया है एलगा वाले में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बताया था, वहाँ थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे पिगमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे उतना नहीं है लेकिन दूसरे दूसरे चैप्टर में आपको पूछा जाता है। ठीक है, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो पिगमेंट हम लोग करते हैं। तो पिगमेंट में देखा जाए तो कौन सा पिगमेंट सबसे कॉमन होता है बता सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं। क्लोरोफिल क्लोरोफिल तो है ही है, क्लोरोफिल में तो वो तो नेम हो गया ना, पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए बी इस तरह से ना, वो चीज पूछ रहे हैं। तो सबसे कॉमन कौन है जो सब में पाया जाता है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, याद करवाए थे बहुत चिल्ला चिल्ला। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली तीन तरह के पिगमेंट मतलब क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के बता रहे हैं, थ्री टाइप के, और उसी में पूरा क्लासिफाई कर देंगे थ्री टाइप के पिगमेंट। थ्री टाइप इससे आसान रहता है, दिमाग में रहता है। एक तो क्लोरोफिल, जैसे आपने बताया क्लोरोफिल। ठीक है, पहला पिगमेंट क्लोरोफिल हो गया। दूसरा पिगमेंट का नाम कैरेटिनॉइड, नहीं कैरेटिनॉइड, कैरोटीनॉइड मतलब लिपिड होता है बेसिकली, लिपिड। उसके बाद फाइकोबिलिन, नाम आपने सब सुना होगा, फाइको बिलिन। अब देखिए क्लोरोफिल जो है ये बहुत पार्ट में होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए, बी सी डी किस में पाया जाए। क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन होता है, नहीं क्लोरोफिल ए सभी में कॉमन होता है, ने बताया था। बी और सी डी मतलब देखा जाए क्लोरोफिल बी मतलब क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल सी फियोफाइसी, और डी क्या है रोडोफाइसी में। नहीं तो इसमें देखा जाए क्लोरोफिल बहुत सारे हैं,
कॉमन देखा जाए तो दूसरा पिगमेंट, तीसरा पिगमेंट, ठीक। तो इसमें देखा जाए तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, और कुछ बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियोवर्डिन बोला जाता है, एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरियोवर्डिन जो अल्ट्रा वायलेट से अपने फोटोसिंथेसिस करता है, वर्डिंग ठीक। इतने क्लोरोफिल ए बी सी डी सब पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर से कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली हम लोग क्लोरोफिल, किसी भी क्लोरोफिल में दो पार्ट है। तो मतलब कि क्लोरोफिल में उसका स्ट्रक्चर देखा जाए, अभी बना भी दे रहे हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कहीं पे दो पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है, ठीक, और दूसरा कहाँ कौन सा पार्ट होता है, एक ही जगह आपको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स में भी मिलेगा, दूसरा टेल पार्ट होता है, हेड और टेल। ये हमने पढ़ाया है आपको जब एल्गा पढ़ा रहे थे, प्रोफायरिन, प्रोफायरिन हेड कहते हैं। और फाइटोल क्या होता है, याद आ रहा? फाइटोल क्या होगा, साइड चेन होगा। इस तरह से दो हेड होते हैं, जैसे इसमें स्ट्रक्चर यही है, फाइटोल हेड वगैरह। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल यही दो पार्ट होगा, चल क्लोरोफिल हेड और टेल होता है, ठीक। तो हेड को प्रोफायरिन, तो इसमें बीच में सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल मेटल कौन होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, सेंट्रल मेटल कौन होता है, मैग्नीशियम लिखा हुआ है भाई, और ये मैंने उधर बनाया था, एक दो तीन, नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये देखिए स्ट्रक्चर, बस हम जानकारी के लिए एक जगह और बना चुके हैं, इसमें बना रहे हैं, ठीक। और कोई जरूरत नहीं है, और इसमें से क्या रहता है, कार्बन, कितने कार्बन होते हैं पढ़ा चुके हैं, हमारे हाइड्रोल टेन में 20 कार्बन होता है, फाइटोल साइड चेन जिसे फाइटोल टेल बोलते हैं, 20 कार्बन होता है, और फाइटोल साइड चेन, और यह फाइटोल टेल बोल देते हैं, फाइटोल टेल। इसमें देखा जाए तो कितने रिंग है, फर्स्ट, सेकंड, और ए थर्ड, फोर्थ, ए सॉरी, इसको ऐसे फिफ्थ बोला जाता है, ए फोर्थ बोला जाता है, ठीक। तो इसमें जैसे फर्स्ट
नंबरिंग 1, 2 और ए 3, 4, 5, 6 और फिर इधर आ जाते हैं 7, 8, 9 ए हो गया और 10 हो गया। तो इस तरह से मतलब इसमें होता है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड इसलिए लिख रहे हैं, ये ऊपर वाला कौन सा पार्ट हो गया, प्रोफायरिन हेड, ये वाला प्रो फायरिन हेड, ठीक। और इसमें फर्स्ट से लेके फोर्थ तक क्या होगा, पायरॉलिंग, इसे पायरल, फर्स्ट से फोर्थ तक पायरलिंग, जो फिफ्थ होता है उसे साइक्लो पेंटेनोर बोलते हैं, या प्रोफायरिन हेड मतलब टेट्रा पैराडाइडल हेड भी बोलते हैं। और आर यहाँ पे डिफरेंट होता है, आर जो यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला आर मान लेते हैं थर्ड पोजीशन पे, तो क्लोरोफिल ए में क्या होगा, मिथाइल होता है, और इसी आर के जगह पे क्लोरोफिल बी में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इतना डिफरेंट होता है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक, क्लोरोफिल बी में, ठीक। तो ये थोड़ा सा जनरल आइडिया है इसका, तो इसमें क्लोरोफिल ए और बी का थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि बहुत कॉमन है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए में देखे जैसे एट पोजीशन आर क्या हो जाएगा रे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एट पोजीशन आर मिथाइल ग्रुप होगा क्या, CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक। और क्लोरोफिल बी में क्या हो जाएगा, वही एट पोजीशन आर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, ये जरूर याद रहना, आर CHO ग्रुप प्रेजेंट, इसलिए मैंने बनाया, नहीं तो नहीं बनाया था स्ट्रक्चर। दूसरा ब्लूइश ग्रीन होता है, अगर देखा जाए क्लोरोफिल है ब्लूइश ग्रीन, और ये ओलिव ग्रीन बोला जाता है, नहीं ओलिव ग्रीन, तो ये उतना नहीं पूछा जाता है, इतना टिपिकल। और तीसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रांसमिटेड लाइट अपीयर ग्रीन, ट्रांसमिटेड लाइट अपीयर ग्रीन, और इधर तीसरा पॉइंट, इन ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट अपीयर येलोइश ग्रीन, ठीक। ट्रांसमिटेड पढ़ लिए तो रिफ्लेक्टेड भी लिख देते हैं, इन रिफ्लेक्टेड लाइट इट अपीयर रेड, लाइट अपीयर रेड, रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर ब्राउनिश रेड,
बहुत सारा सिमिलरिटी है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो ये क्लोरोफिल है भाई, मतलब कि क्लोरोफिल का पिगमेंट हो गया। कैरोटीनॉइड में कौन होगा? दो तरह के कैरोटीनॉइड होते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, एक जैंथोफिल, आप सुने होंगे कैरोटीन, कैरेट वगैरह पाया जाता है, ऑरेंज रेड कलर होता है, और जैंथोफिल। जैसे हमें C40, पहले ये बहुत पूछा जाता है, H56 इसमें होता है फार्मूला इसका, मॉलिकुलर C40, H56 और O2 भी आ जाता है, बस इतना डिफरेंट होता है। और ये ऑरेंज रेड दिखेगा, ऑरेंज आप जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे कैरेट होता है ना, गाजर के बीच वाला पार्ट, और ये येलोइस ब्राउन दिखेगा। इसमें और बहुत सारे, जैसे आप फ्यूकोजेंथिन और ल्यूटीन होता है, फ्यूको जेंथिन ल्यूटीन, फ्यूकोजेंथिन और ल्यूटीन होता है, ठीक है। और फाइकोबिलिन भी दो तरह का होता है, एक पर्पल और एक रेड, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। और बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? बीजीए में। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल का इन बीजीए, ये भी दो तरह के हैं, तो इसे लिख दे रहे हैं। एक तो फाइकोसाइनिन कहते हैं आप, जो पर्पल कलर के, फाइको एरिथ्रिन होता है रेड कलर के, पढ़ चुके हैं, फाइको साइनिन और फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, और ये रेड कलर का है, और ये क्या है? पर्पल, पर्पल कलर का, ठीक है। तो ये तो हम लोग पिगमेंट वगैरह के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट में लिख सकते हैं, जो क्लोरोफिल ए है कॉमन होता है, तो क्लोरोफिल ए एक रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल बोला जाता है। क्या? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल बोल सकते हैं, सभी में होता है आप जानते हैं, अदर मतलब आल कह सकते हैं, अदर पिगमेंट जितने भी है, तो वो क्या होगा? एसेसरी पिगमेंट के रूप में, पिगमेंट नहीं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, उसका फिगर है थोड़ा सा, क्या क्या पाया जाता है। इसको अभी हम बता रहे हैं, ऐसे तो फिगर देख ही रहे हैं आप। यह पिगमेंट का अभी हमने पढ़ा है, पिगमेंट नीचे होगा, जैसे आप इसको उठा के उधर रख देते हैं, ये दोनों फिगर मतलब ए क्लोरोफिल ए, यहीं पे बता दे रहे हैं, क्लोरोफिल कैरेटोनाइल फाइको वेलिन, ठीक है, यही मैंने पढ़ाया ना, तीन पिगमेंट, ठीक। अभी देखिए इसमें डिटेल दिया है, क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया सब में ही लगभग पाया जाता है, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट एंड ऑल हायर प्लांट में पाया जाता है, क्लोरोफिल सी
डायनोफ्लैजलेट और डायटम और ब्राउन एल्गा में जिसे फियो फाइसी बोलते हैं ना, क्लोरोफिल डी रेड एल्गा में रोडोफाइसी में पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए तो होगा ही, ठीक है, क्लोरोफिल ए और जेंथोफाइसिन एल्गा में पाया जाता है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल कह सकते हैं ए में बैक्टीरियो इतना कंफ्यूजिंग क्लोरोफिल सा क्यों है सब? इतना यही नाम कंफ्यूजिंग देखा हुआ नेम नेम है सारा, ठीक है, बैक्टीरियो जैसे क्लोरोबियम क्लोरोफिल मतलब अलग स्मॉलर स्मॉलर में कहीं कहीं पाया जाता है, ठीक है, और कैरोटीन हो गया रेड एल्गा लाइकोप्रिन बोलते हैं, ठीक है, जेंथोफिली और येलो कलर और बाइलोक्सियम फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गा ल्यूटीन पाया जाता है, ठीक है, अभी हमने लिखा था, और फाइकोसाइनिन में साइनोबैक्टीरिया अभी हमने बोला कि ब्लूरीन एल्गी में बेसिकली पाया जाता है, इन जनरली प्रीडोमिनेंटली फाइकोबेलिन, फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गा में लेकिन पाया जाता है, इसी की वजह से वो रेड दिखता है, नहीं हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल ऐसे ग्रीन ग्रीन दिखता है आप जान ही रहे, और एक ल्यूटीन देखिए इस तरह से दिखता है कैरेटोनाइड येलो, और एक कैरेटोनाइड ऑरेंज रेड कलर का इस तरह से, तो इधर पिगमेंट हो गया, और इसमें स्पेक्ट्रम का बाद में बात करेंगे, तो यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं, जो इधर बेसिकली क्लोरोफिल का था स्ट्रक्चर, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर देखा जाए ये हम लोग इधर ही कर दिया जाए ज्यादा सही रहेगा ना, ऊपर मैंने बांटा था तो ये कहाँ गया पिगमेंट, ये पिगमेंट हम लोग कर लिए तो यहाँ पे रख देते हैं, बड़ा एक बार फिर से बोलना, कह आपकी आवाज कट रही थी। रहे हैं पिगमेंट यहाँ पे पढ़ लिया तो यहाँ पे कर रख देते हैं इसको, नहीं तो जैसे रिवीजन में वो ना डिस्टर्ब न रहे, नीचे अब फोटोसिंथेटिक किया जाएगा ये भी, और पिगमेंट वाला तो कोई है नहीं, ये तो लाइट वगैरह का स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा रिवाइज विवाइज करेंगे तो फिगर रहता सही रहता है। अब बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा मतलब जनरल आइडिया, फिर आ जाते हैं हम लोग मेन पार्ट पे, ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता ही सकते हैं कहाँ पे होता है, जैसे फिगर दिख ही रहा, ठीक, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अरे वहां फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, पे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाएगा, लीफ के स्ट्रोमा में। लीफ है मान लीजिए, ये कट करते हैं, मेजोफिल सेल निकालते हैं, फिल सेल, और मेजोफिल सेल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक स्ट्रोमा हो जाएगा, एक थैलेकॉइड क्रेनम जिसे बोलते हैं, क्वाइड ग्रेनम, यहाँ पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन है, दिन वाला रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है, एक डार्क एक लाइट रिएक्शन है, और स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन है, रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस कौन होगा, वही
ग्रेनम में नहीं, इसे बोलेंगे लाइट डिपेंडेंट। अगर ऐसे आता लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस। तो ये बेसिकली कहाँ पे, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ग्रेनम में। ग्रेनम कह सकते हैं। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे लाइट की जरूरत नहीं, नाइट में होता है ना, फोटोसिंथेसिस। तो ये तो मतलब डार्क रिएक्शन हम लोग कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, जिसे हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल। और बेसिकली स्ट्रोमा में होता है। जैसे तो फिगर बना है कि स्ट्रोमा तो लैंगली नीचे का नीचे वाले पार्ट में होता है ना उसके रीफ के। नीच के, हाँ मतलब कि जहाँ पे स्ट्रोमा, वही बता रहे हैं। जैसे एक क्लोरोप्लास्ट का एक फिगर है, ठीक है, आउटर लेयर होता है, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्रेना हो गया, ग्रेना, और ये बीच में जो है स्ट्रोमा हो गया, ठीक, जो मैट्रिक्स होगा। और बीच में बहुत सारे होते हैं, जानते हैं, राइबोसोम भी होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। तो डीएनए भी होगा, सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है, लिपिड और स्टार्च, ये राइबोसोम वगैरह पाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, ये लाइट रिएक्शन है, साइट पर लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का साइट है, और ये क्या है, डार्क रिएक्शन का साइट है, स्ट्रोमा। और बीच में स्ट्रोमा लैमली होता है, ठीक है, स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली जैसे लाइट रिएक्शन में अगर देखा जाए, ग्रेना में, जो ग्रेना है, यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होता है एंड फोटो सिस्टम सेकंड भी होता है, ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ स्ट्रोमा लैमली में यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट क्योल होता है, ठीक। और यहाँ पे डार्क रिएक्शन में केल्विन C3 साइकिल होता है, ठीक है। ये तो आगे मतलब याद रखिएगा बार बार इसको, ये सब बहुत पूछा जाता है। हम और भी इसको क्लियरिफाई करने के लिए बता दे रहे हैं फिगर, ठीक है, स्ट्रक्चर से। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो उसको हटा देते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कोई पत्ते का ये लीफ है, लीफ बना लेते हैं, ठीक। और ये लीफ है, ठीक, आप जानते हैं। अब ये लीफ को आप कट करेंगे, मतलब जूम करेंगे, कट करके कहीं पे भी पार्ट कट करके जूम करेंगे, और बड़ा सा, आजकल तो जूम बहुत कॉमन टर्म हो गया लीफ का। तो इसमें देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। आउटर में जो क्यूटिकल दिखता है, ठीक, क्यूटिकल लेयर पाया जाता ठीक। और ये इसी के नीचे बहुत सारा पार्ट पाया जाता है, जिसे हम लोग अपर एपिडर्मिस कह सकते हैं, अपर एपिडर्मिस। ठीक। और उसके बाद बहुत सारे इसमें मीजोफिल सेल पाए जाते हैं, इस तरह से कटे रहते हैं।
और क्योंकि नीचे भी हम लोग पास इस तरह से, जो अब नीचे देखे क्यूटिकल कंटिन्यूअस नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा पोर बोला जाता है, नहीं ये स्टोमेटा जो खुलता है, आइसोबिलेटरल लीफ होगा तो दोनों साइड में पाया जाएगा स्टोमेटा, ठीक है, कई तरह के होंगे, तो हम एक बना रहे हैं लोअर इंपीडर में, ठीक। और ये पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट हमने बनाया, ये पूरा मतलब मीजो मीजो फिल, मीजोफिल। और यहीं पे सारा काम होगा मीजो फिल सेल, ठीक। अगर देखा जाए इसमें, अब एक मीजो फिल सेल को निकालते हैं, एक मीजो फिल सेल, एक मीजो फिल सेल, तो एक मीजो फिल सेल जैसे हम यहाँ राउंड ऐसे बना रहे हैं, ठीक, इसमें कई पार्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा और वैक्यूल होगा, ऐसे दिख रहा है, वैक्यूल बड़ा सा रहेगा, यानी वैक्यूल मेन पार्ट होता है, और ये छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट, और ये मीजो फिल है सेल। अब देखा जाए एक क्लोरोप्लास्ट हमें जो अभी फिगर मैंने दिखाया, जो ये क्लोरोप्लास्ट है उसका फिगर, तो ये क्या होगा, डबल लेयर्ड होगा ना, अभी मैंने फिगर दिखाया था वही, ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, नहीं दो लेयर हो गया, और इसमें क्या पाया जाएगा, बेसिकली ग्रेनम थैलोकॉइड और ग्रेनम पाया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं जुड़ा हुआ बना दे रहा हूँ इसे, इसमें आप देखे पैसे की तरह रखा रहता है बुक में, आप देख सकते हैं बहुत सारे फिगर ऐसे, तो ये पूरा क्या होगा, ग्रेनम कहलाएगा, ग्रेनम, ठीक। और ये मतलब इसमें हेलो क्वाड होगा एक एक ले क्वाड, ठीक, यानी कि इसी में क्या होगा, मतलब लाइट रिएक्शन, ग्रेनम ही है, ग्रेनम मतलब पूरा, जैसे कई सिक्के रख दिए, पूरा कंपोजिशन को ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है, और एक को क्या बनेंगे, हेलो क्वाड। इसमें देखा जाए तो ये हमने बनाया, और इसमें दूसरा एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा रहेगा, और क्या कहेंगे उसे आयन, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा रहता है, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली बोलेंगे, ये वाला पार्ट ऊपर तो हमने ग्रेनम और स्ट्रोमा, इसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, और स्ट्रोमा लैमेली में कौन सा केवल पार्ट होता है, पीएस सिस्टम फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आप देख रहे हैं सी डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है, और भी चीजें हैं जैसे इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, और स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन, ठीक, और इसमें बहुत राइबोसोम वगैरह भी पाया जाएगा, और राइबोसोम कौन होगा, कौन से टाइप का राइबोसोम होगा, अरे 70S पाया सेवेंटी जाएगा, एस 70S वाला 70S वाला पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये है, अब देख सकते हैं इसमें यही चीज है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो क्लोरोप्लास्ट का अगर 3D स्ट्रक्चर देखा जाए ऐसे दिखता है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ऐसे, और इसमें पैसे की तरह देखिए रखा हुआ दिख रहा है ना, और इसमें स्ट्रोमा हो गया बीच का, और ये थैलोकॉइड हो गया, और इस पूरे थैलोकॉइड के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ग्रेनम, बहुत अच्छा फिगर है, छोटा है लेकिन, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है,
ठीक, अब दिख रहा है ना। हम्म, तो इसमें क्या है, आप देख लीजिए वही चीज, ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। और इसमें राइबोसोम हो गया, राइबोसोम 70S राइबोसोम बार बार बोल रहे हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सी डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट में पाया जाता है। और ये थैलोकॉइड हो गया, एक पैसे को थैलोकॉइड बोलेंगे। और इसी में थैलोकॉइड मेम्ब्रेन, ल्यूमिन वगैरह भी पाया जाएगा ल्यूमिन में। और ये पूरे अरेंजमेंट को ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और जो एक थैलोकॉइड मतलब दूसरे थैलोकॉइड ये ग्रेनम दौड़ा, तो इसे स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन तो आप कई बार पढ़ ही चुके हैं, तो ये चीजें हो गई, ठीक। अब इसमें देखा जाए, इसके बाद हम लोग पढ़ना लाइट रिएक्शन। इसमें लाइट का थोड़ा बहुत ये दिया है, जैसे स्पेक्ट्रम आप देख ही रहे कि 400 to 700 नैनोमीटर का रहता है, जो पार बोलते हैं नहीं, फोटोसिंथेटिक एक्शन रिएक्शन, इसे पार, ये कई बार पूछा जाता है, आप जानते हैं, ठीक। लाइट के प्रॉपर्टी इसलिए मैंने दे दिया, आप फिजिक्स में पढ़े हैं या नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होगा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, वेव जान ही रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप जान ही रहे, इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रिस्ट एंड वेव के बीच, दो क्रिस्ट किसके बीच में वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ देखिए, केवल वेव को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, जैसे आप बहुत सारे यूनिट पढ़ते हैं ना, नैनोमीटर, ठीक है, पढ़ते हैं ना, और यस मतलब पिकोमीटर हो गया, पिको सेकंड भी बोल देते हैं, लेकिन एंगस्ट्रॉन मतलब केवल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वेवलेंथ मेजर करने के लिए बनाया गया था। जैसे यहाँ से देखा जाए, ये क्रिस्ट, यहाँ क्रिस्ट, तो ये क्या होगा, वेवलेंथ, ठीक। और यहाँ से देखा जाए तो ये भी एक वेवलेंथ हो गया, यहाँ तक ये भी वेवलेंथ हो गया, लेमडा, ठीक है, मतलब डिस्टेंस वाई और टाइम में ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये वेवलेंथ आता है लेमडा। और ये बेसिकली एंगस्ट्रॉन में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। पिकोमीटर वगैरह मतलब कि किसी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एंगस्ट्रॉन ओनली डिस्टेंस के लिए। कभी आप नहीं सुने होंगे कि एंगस्ट्रॉन सेकंड, कभी सुना है, नहीं सुना होगा। सेकेंड एंगस्ट्रॉन केवल डिस्टेंस, जितने भी आप यूनिट स्मॉलर यूनिट देखते हैं, जैसे आप माइक्रोमीटर भी लिख देते हैं, माइक्रो सेकंड भी लिख देते हैं, चलेगा, लेकिन आप माइक एंगस्ट्रॉन सेकंड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए होता है। पिकोमीटर भी लिख सकते हैं, पिको सेकंड भी लिख सकते हैं, ये चलेगा, लेकिन एंगस्ट्रॉन केवल डिस्टेंस के लिए चलता है, ठीक है। लाइट लाइट पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन, ईच फोटॉन कंटेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग क्वांटम बोलते हैं। एनर्जी ऑफ द फोटॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है, आप जान ही रहे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एनर्जी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के होता है, ठीक, ई इक्वल टू एच न्यू होता है ना, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के हो जाएगा। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, डायरेक्शन प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर, ये थैलोकॉइड है देखिए, और इसमें थैलोकॉइड के अंदर जो ल्यूमनी वगैरह है, इसे हम लोग एक फोटोसिंथेटिक यूनिट को क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं, ये, ठीक। और ये एंटीना मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल भी पर कैरोटोनाइड ऐसे दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग ये स्पेक्ट्रम यानी कि लाइट रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट एब्जॉर्बेशन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे हम लोग लाइट एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्बेशन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, तो देखा जाए तो लाइट जो होगा, लाइट क्वालिटी
मीन्स वेवलेंथ, नहीं? वेवलेंथ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एवरी पिगमेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सही बात है। तो एवरी पिगमेंट एब्जॉर्ब, जितना पिगमेंट हम लोग पढ़े, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अगर देखा जाए, मोस्टली पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टेक्स प्लेस बाय, बता सकते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोफिल बी एट, देखा जाए तो 500 एंड 700 नैनोमीटर पे मोस्टली ऑब्जर्व होता है। अगर इसी को हम लोग मेजर करें, द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट क्रिएटेड बाय ए ग्राफ, ग्राफ से हम लोग शो करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, बता सकते हैं, कॉल्ड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, कि नहीं? स्पेक्ट्रम ये सब दिया है तो पूछ सकते हैं, आजकल डिफिनेशन में भी पूछ लेते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम में देखिए, बेसिकली कितना 500 और 680 नैनोमीटर का बेसिकली रहता है, तो द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम इज आल्सो रिफर्ड टू एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक, एक्शन स्पेक्ट्रम, बिकॉज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई, एट किस पे होता है बहुत ज्यादा, 500 एंड 680 नैनोमीटर सबसे ज्यादा होता है। यानी कि इस एक्शन स्पेक्ट्रम को किसने बताया था, मैं पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, बताइए एक्शन और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया था? सर, नाम भूल अभी गया, अरे भाई इतने जल्दी भूल जाते हैं, से याद ही नहीं था। अभी वो थोड़े देर पहले हम साइंटिस्ट का नाम लिख रहे थे ना, कौन क्या बताया था, सर आपने तो 7-8 लिखे। 10 लिखे हैं, नेम एंगलमैन, इंगलमैन का नाम लिखे थे ना भाई, दिस एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन अलग और स्पेक्ट्रम एक्स रिकॉर्ड किया जाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर से, पूछा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर, मीटर से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया,
अगर देखा जाए मेनली जो ब्लू और रेड बेसिकली आता है, इसमें क्लोरोफिल ए भी में ये देख लीजिए, फिगर देख लेते हैं। तो इसमें लिख देते हैं पहले, तो अभी यानी कि ब्लू एंड रेड लाइट राइट इज मोस्टली, ये बहुत पूछा जाता है, प्रिफर्ड, वहां पे आप लोग गलत कर देते हैं, प्रिफर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्रिफर्ड रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्लोरोफिल ए बी सबका दिया है। क्लोरोफिल ए में देखा जाए ये वाली जो लाइट है, ये वाली कलर क्लोरोफिल ए की है, ठीक। और बेसिकली एक्शन और एब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम का दिखाया गया है, ठीक है। और एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम नीचे है, तो बीटा कैरोटीन और रेड से लिखा है क्लोरोफिल। अगर देखा जाए बी, ये ग्रीन वाले से लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं, नहीं तो ये आपका एनसीईआरटी का अलग अलग दिखाया हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी यहाँ से आप देख ही सकते हैं, ये वाला मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए, ये वाला यहाँ पे दो जगह आ रहा है, 500 और 700। यहाँ पे देखा जाए इमर्सन का रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, जो ये दिखा हुआ है, ठीक है, इमर्सन का रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद इमर्सन इफेक्ट भी यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक। तो इमर्सन रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इमर्सन ये बहुत क्वेश्चन इससे आता है, रिपीटेड इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो क्वांटम यील्ड थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वांटम यील्ड किसे बोलेंगे? बता क्वांटम सकते यील्ड छोटी क्वांटम? यील्ड हाँ मतलब कुछ भी निकलना, मतलब थोड़ा सा तो अमाउंट अमाउंट ऑफ ओ टू रिलीज कहाँ से? पर क्वांटम, नहीं क्वांटम क्या होता, जो एच न्यू लाइट आ रहा है उसी को क्वांटम बोलते हैं ना, फोटॉन एच न्यू। और एक फोटॉन से मतलब कितना लाइट, मतलब ओ टू क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? क्वांटम यील्ड बोलेंगे, नहीं? तो इसमें देखा जो ये रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें ग्राफ ऐसे छोटा सा वैसे तो नीचे बना हुआ है, लेकिन हम लिख के पढ़ाएंगे तो ज्यादा सही, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। और इधर वेवलेंथ लेमडा, तो लेमडा मतलब यहाँ पे हम 400 500 और 680 और 700 नैनोमीटर में है सारा, ठीक है, एक ही जगह लिखें तो यार। और यहीं पे क्या होता है, ये कह सकते हैं रेड वाला होता है, इसे रेड बीच में रेड ड्रॉप हो जाता है, ये फोटो से लाइट पड़ता है। पहले तो क्वांटम यील्ड में लाइट रिएक्शन जो होता है, तो ऐसे ग्राफ रहता है और यहाँ पे ऐसे गिर जाता है, ठीक है। यही पोर्शन क्या हो जाता है, थोड़ा सा आगे बना दे, थोड़ा सा हल्का सा, एकदम से नहीं, इसे रेड ड्रॉप बोलते हैं, ठीक। यानी कि रेड ड्रॉप वेवलेंथ जैसे ही 680 से ऊपर होगा तो सडनली क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप।
यानी कि रेड ड्रॉप के बारे में पूछा ही जाता है, तो सडन डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आफ्टर कितना वेवलेंथ? 680 नैनोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे ही ये मतलब 680 के ऊपर आएगा तो रेड ड्रॉप कहलाता है, रेड ड्रॉप, ठीक। कह सकते हैं व्हेन लीफ एक्सपोज्ड विजुअली टू, जैसे फोटो सिस्टम मतलब फोटो सिंथेटिस मतलब है, तो थिस एट सेवन हंड्रेड नैनोमीटर, तो 10 क्वांटम मिल रहेगा, कितना रहेगा क्वांटम यील्ड, मतलब छोट वैसे जनरल इंफॉर्मेशन। एट 653 नैनोमीटर रहेगा तो देखिए ये 53 क्वांटम यील्ड है, क्यू एस क्यू यील्ड, ठीक है। तो अगर बट व्हेन लीफ एक्सपोज्ड साइमल्टेनियसली, एट 753 नैनोमीटर, वी एट 700, तब ये क्या हो जाएगा? एंड 653 है ना, तो इसमें 72 क्वांटम यील्ड हो जाएगा, अगर साथ साथ में, ठीक है, वही ऐड कर दे रहे हैं, लगभग बढ़ जाएगा 72, एनहेंस हो जा रहा है क्वांटम यील्ड। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों साथ साथ में अगर कर देते हैं, उसी को हम यहाँ पे देखिए फिगर बहुत अच्छा है, इसमें मिल गया था इनहेंस क्वांटम यील्ड, ठीक है, थोड़ा बहुत इनहेंस हो जा रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे। और 650 नैनोमीटर रेड, 710 फर रेड हो गया, और ये दोनों का मतलब थोड़ा सा क्वांटम यील्ड बढ़ गया, नहीं ठीक, जी रेट ऑफ इमर्सन। अब देखिए यहाँ पे वही दिया फोटोसिंथेसिस रेट फर रेड, मतलब ये बुक का 10 क्वांटम यील्ड है, फोटो सिस्टम सेकंड ये एग्जैक्ट है, तो 443.5 फोटोसिंथेसिस दोनों का ऐड कर दिए, देखिए 72, ठीक है, यानी कि इनहेंसमेंट इफेक्ट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर पूछा जाता है इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है, ठीक है, तो यही है, तो इसमें हम इनहेंसमेंट इफेक्ट फिर से लिख भी दे रहे हैं। ये देखिए ये चीजें अगर नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत टफ लगेगा, खराब लगेगा, ठीक है। इमर्सन्स इनहेंसमेंट इफेक्ट इसे बोला जाए, जब दोनों को साइमेंटेनियसली करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें क्वांटम यील्ड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इसलिए नंबर के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। कह सकते हैं एट एक्सपोज जी सन टू 700 एंड 653 ने, उसमें 710 दिया है तो लगभग लगभग वही है, नैनोमीटर ऑफ लाइट, ठीक, साइमल्टेनियस। द क्वांटम यील्ड
ये जी मच फायर, देन इंडिविजुअली मतलब अकेले अकेले से ज्यादा क्या है, अगर इंडिविजुअली ऐड करें तो कितना, एक में कितना आया था 53, एक में 10 तो कितना 63 हो जा रहा है, लेकिन दोनों को अगर हम लोग ऐड करके तो बढ़ जा रहा है, नहीं वही बोल रहा है, तो उसे एक्सपोज करते हैं तो लाइट तो 700 एंड 653 नैनोमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली आप जानते हैं टू क्या हुआ, देयर आर टू फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम ये तो इनहेंसमेंट इफेक्ट है ये, तो फोटो सिस्टम अगर देखा जाए टू टाइप का, देयर आर देयर टू फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, और दो फोटो सिस्टम अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक तो हम लोग अब ये फोटो सिस्टम दो तरह के हैं, लेकिन ये नेम जो पड़ा है अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी, लेकिन फंक्शन क्या उल्टा है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक। यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट देखा जाए 700 नैनोमीटर, ठीक, और ये क्या हो जाएगा वही 6 मतलब 53 से लेके या 680 आपके बुक में लिखा है तो 680 नैनोमीटर याद रखिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फोटो सिस्टम अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देखिए क्वांटासोम है, क्वांटासोम कहाँ गया, नहीं है ऊपर था ना कहीं पे, क्वांटासोम फिगर यहाँ ऊपर था, ये क्वांटासोम, ठीक। तो इसको हम कट करने पे सब गड़बड़ हो जाएगा, कॉपी कर लेते नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा सर। तो यहाँ पे क्वांटा सोम हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्वांटा सोम के बारे में, ठीक। तो जान ही रहे हैं इसमें क्वांटा सोम, ये क्वांटा सोम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक। यानी कि क्वांटासोम, क्वांटासोम क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ये बहुत पूछा जाता है भाई, जहाँ भी यूनिट की बात हुई वो सब चैप्टर में यूनिट जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्वांटासोम क्या है, इट इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट, नहीं फोटो सिंथेटिक यूनिट, फोटो सिंथेटिक यूनिट कोई पूछे तो क्वांटासोम ही बताएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट इसी में, और एक बेसिकली देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ क्या, पिगमेंट मॉलिक्यूल, मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल और विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अभी बेसिकली क्वांटासोम देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एसेसरी पिगमेंट और वो कैसे जुड़ा रहता है, हमने जैसे ऊपर लिखा था मेन, जैसे यहाँ पे तो ये बना हुआ है थैलोकॉइड क्वांटासोम पिगमेंट, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बनाना चाहेंगे जैसे याद रखने के लिए, ऐसे मान लीजिए ये क्या है,
क्वांटासों में, ठीक है। और ये हम जो किनारे किनारे दिखा रहे हैं ये सब क्या है, पिगमेंट। एक हमारे पास मेन पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट कौन सा होता है, आर्यन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ये मेन पिगमेंट। मान लीजिए ऐसे यहाँ पे फोटॉन एच न्यू आया, नहीं फोटॉन बोलते हैं लाइट, तो ये आया। और ये सब क्या है, किनारे किनारे सब एसेसरी पिगमेंट है, पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट हो गया। और रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स कौन हो गया, ये हो गया रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, ये क्लोरोफिल है, क्या हो गया, रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। सेंटर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ने एक क्लोरोफिल लिख दिया। ठीक है, और यही मेनली देखा जाए क्वांटासोम का फिगर बना रहे हैं, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, बार बार आता है नाम, इसी को क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, नो कॉम्प्लेक्स, ठीक। मतलब एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, एक क्वांटासोम है, ये पूरा हमारे पास जो फिगर है ये किसका है, क्वांटासोम। और ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दोबारा हम जानबूझ के लिख रहे हैं कि याद रहे, ये पूछा जाता है बहुत। और यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट, व्हेन आइसोलेटेड क्लोरोफिल, नाउ अगर देखा जाए व्हेन एन आइसोलेटेड क्लोरोफिल कौन सा, ए, यानी कि इज टेकन टेकन इन टेस्ट ट्यूब, इट शोज क्लोरोफिल सेंस, क्लोरोसेंस जानते हैं, क्लोरोसेंस यानी कि इमिशन ऑफ कलर जो करता है उसे क्लोरोसेंस कहते हैं ना। कलर ठीक, जैसे मान लीजिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे यहाँ पे लाइट आया, लाइट लाइट इधर रहती, तो ये फोटॉन के रूप में, यचनी के रूप में, इस पे क्लोरोफिल ए पे, ठीक। और इसमें से इमिट होगा, जाने रहे हाइट पे जाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन लोग पड़ेंगे, टू इलेक्ट्रॉन, फिर ये क्या हो जाएगा, थोड़े देर के लिए नैनो सेकंड के लिए फिर गिर जाएगा, और वेवलेंथ, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, लाइट इमिशन, नहीं इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा? इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे वाटर से ब्रेक होगा ना, अभी आगे पढ़ेंगे फोटोलिसिस, वाटर जो रहेगा वो ब्रेक होगा, आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बड़ा बकवास से चढ़ रहे हैं। अरे भाई आप पहले ही बकवास बोल दे रहे वही बोले, यहाँ सिस्टमेटिक ऐसे पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन लग जाएगा। फ्लोरोसेंस मैकेनिज्म है ना, छोटी बात तो है नहीं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे सारा एंटीना पिगमेंट वगैरह सारा लिखा हुआ है फिगर में, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है वगैरह, तो फिर हम लोग फोटो सिस्टम पे पढ़ते हैं, फोटो सिस्टम से ही मेनली पढ़ना है। तो देखिए लाइट जो पड़ रहा है कहाँ पे, ग्रेनम वाले पार्ट पे पड़ रहा है, दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन, इसी पे लाइट पड़ रहा है।
अब जब लाइट पड़ेगा तो यहाँ पे O2 यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन होता है, और वाटर से ही जो हमारे पास ब्रेक डाउन होगा तभी हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन जो हम रिस्पायरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। दिन में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है, रात में नहीं होता, ठीक है। तो ये मतलब फोटोलिसिस, जो मतलब लाइट रिएक्शन है, कहाँ पे, ग्रोना में होगा। अब इसके दौरान ये क्यों होता है, क्योंकि जब आगे रात रात में प्रोसेस होगा, ठीक है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, नाइट में तो एनर्जी चाहिए, नहीं तभी तो फंक्शन होगा। मतलब कह सकते हैं एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव तो है नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, दिन में एटीपी बना लेगा, देखिए एटीपी बन गया और एनएडीपी बन गया, ठीक है। मतलब एडीपी यूज हो रहा है और एनएडीपी यूज हो रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, डार्क में से जो रिलीज होगा वो दिन में यूज होगा, ये रात में रिलीज हुआ, ठीक है। तो एटीपी एनएडीपी बन गया, ए एटीपी एनएडीपी जब राइट में कैल्विन साइकिल में यूज होगा, जो स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। वही तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोटोन आया, ठीक है, ये जिसे हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, LHA, अभी LHC बोलते हैं, बाद बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होगा, एंटीना पिगमेंट, अभी हमने जो बोला क्वांटस सोम को एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसके दौरान, यही इलेक्ट्रॉन आगे जाके कहाँ पे, केल्विन साइकिल में यूज होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे बहुत सारे हैं, और यही पोर्शन थोड़ा टेढ़ा रहता है, ठीक, केल्विन साइकिल उतना टेढ़ा नहीं रहता। तो यहाँ पे हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड पढ़ते हैं, ये फोटोलिसिस का पार्ट है, ये पूरा फिगर दिया हुआ, ये पूरा हम लोग इस पे मेहनत करेंगे ढेर सारा, ठीक, जिसे याद हो जाए, ठीक। तो फोटो सिस्टम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फोटो सिस्टम तो नीचे तो फिगर बना, अभी दिखाएंगे। तो फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम कितने टाइप का है, दो टाइप का, देखो एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकंड। बार बार बोल रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड केवल डिस्कवरी के बेस पे है, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले पता चला, उसने नाम रख दिया इमर्सन ने, अरे इंगलमैन ने, इंगलमैन डिस्कवर किए थे ना, तो मतलब कि फोटो सिस्टम, लेकिन वर्किंग जो है उल्टा है, पहले वर्किंग फोटो सिस्टम सेकंड से ही स्टार्ट होता है, ठीक। अभी हम पूरा बता दे रहे हैं। तो इसमें डिस्कवर बाय, अब देखिए साइंटिस्ट का नाम बार बार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट ही है, इंगल मैन, ठीक। और अब यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, जिसमें नेमली फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, ये नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मतलब नेम अकॉर्डिंग टू मतलब डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ही ये नेम पड़ा है, बट वर्किंग डिफरेंट, मतलब कह सकते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड शुरू होगा, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, ठीक है। वर्किंग इसका रिवर्स है, रिवर्स लिख देना डिफरेंट की जगह, ठीक तो इसमें थोड़ा सा फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड को हम लोग वो करते हैं, क्या है बेसिकली, जैसे फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड, फर्स्ट अभी हम लोग केवल इसके नेचर को पहचानने जाना,
यानी कि ये आप करने आए हैं फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं और इसको फोटो सिस्टम। सेकंड कि नहीं। अब इसमें देखिए क्लोरोफिल ए तो दोनों में बीच बीच में रहता है, जो पिगमेंट की एंटीना कॉम्प्लेक्स वगैरह क्वांटसोम हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले बनाया। ये मान लीजिए ए क्लोरोफिल ये है, ऐसे इसमें क्लोरोफिल ये, और इसके साइड साइड में हम लोगों क्या रख देना है एक्सेसरी पिगमेंट कि नहीं। ये हम क्या बना रहे हैं एक्सेसरी पिगमेंट कि नहीं, और आगे क्या हो जाएगा क्वांटासोम फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेटिस। ठीक अब इसको क्या बोले थे अभी थोड़ी देर पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स नहीं, और एंटीना कॉम्प्लेक्स में होता क्या है जो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स इक्वल टू अभी क्लोरोफिल ए प्लस एसेसरी पिगमेंट नहीं, दो पार्ट होता है। और यहाँ पे देखिए जो फोटो सिस्टम फर्स्ट में लाइट आती है जो मतलब बंडल के रूप में ऐसे आती है लाइट, ये पड़ता है तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा प्राइमरी मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो फिर अपने ऑर्बिट में जाके गिर जाएगा, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे होगा। क्यों होगा अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक यानी कि अगर देखा जाए फोटो सिस्टम सेकंड कितने वेवलेंथ पे हो रहा था 700 नैनोमीटर, अभी ऊपर हमने लिखा था 700 नैनोमीटर, और ये 680 नैनोमीटर पे, ये नैनोमीटर हमने लिखा है। ठीक है यानी कि क्लोरोफिल ए दोनों में रिएक्शन सेंटर है एक तरह से, सिमिलरली प्रोसेस यहाँ पे भी होता है लेकिन आगे अभी हमने डिफरेंट पढ़ना है। तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ठीक है। ये अब ये देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड का है फिगर, तो इसमें हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है फोटो सिस्टम सेकंड है क्या है, तो यही भी डिफरेंस है पूरा। ठीक ये आपको याद रहेगा सारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पे फिर आते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाले फिगर पे, जैसे फोटो सिस्टम आपके एनसीईआरटी का है फिगर, फोटो सिस्टम फर्स्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है सेकंड से ही स्टार्ट होता है वहां पे अच्छा से दिया है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट देख लेते हैं। ठीक फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है रिएक्शन सेंटर 700 है, और फोटो सिस्टम सेकंड क्या है रिएक्शन सेंटर बताइए, फोटो सिस्टम सेकंड कितना वेवलेंथ पे वर्क करता है, देखिए यही सब याद रखना है। ठीक है देखिए 700 ए 680 680, और फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में होता है, ये बहुत जरूरी है। आगे हम डिफरेंट पढ़ेंगे साइक्लिक क्या है नॉन साइक्लिक क्या है। ठीक है मतलब ये सेंटर पहले एक तो कह सकते हैं मतलब कि रिएक्शन सेंटर पी 700 पी 680, और फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व बोथ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ठीक है, और सेकंड क्या होगा साइक्लिक पाथवे क्या, और यहाँ पे देखा जाए नॉट इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है वाटर से निकलता है, जब फोटोलिसिस हुआ ही नहीं
यानी कि ऑक्सीजन रिलीज कहाँ, एकदम पहले वाले स्टेप में हो जाता है ऑक्सीजन रिलीज। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ऐसे देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें 4H2 है, ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, फोटोसिस्टम किस पे, सेकंड पे, ठीक है। तो फोटोसिस्टम सेकंड ही क्या निकालेगा, ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, याद रख। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड में देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ही पे हो रहा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा ऑक्सीजन इवॉल्व, ठीक। इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भी, ऑक्सीजन भी निकल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अभी आप पूछ रहे थे कहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी कौन निकाल रहा है, फोटो सिस्टम अच्छा सेकंड में निकाल रहा है। अब जो फोटो सिस्टम सेकंड निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन अपने भी यूज करेगा, दूसरे यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट को भी देगा, यानी कि इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, ठीक है। यानी कि दोनों यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट में दोनों होगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक पहले होगा और साइक्लिक बाद में होगा, मतलब नॉन साइक्लिक से इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा फोटो सिस्टम सेकंड से, ठीक है, और फिर साइक्लिक में भेजेगा अभी उसको रीयूज करने के। इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर और लोकेट इन अनस्टैक रीजन ग्रेनम फेसिंग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसमें लोकेट जो स्टैक्ड रीजन थैलोकॉइड में होता है, ल्यूमेन में होता है, फेसिंग ल्यूमेन और थैलोकॉइड, मतलब कि अगर देखा जाए ल्यूमिन ऑफ थैलोकॉइड से प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। अब साइड में जाएगा तो मतलब कि आपके ग्रेनम के फेसिंग में चला जाएगा, और ये साइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक पहले होगा। जैसे अब देखिए थोड़ा से सिस्टमेटिक, जो फोटो सिस्टम से शुरू हुआ प्रोसेस, ठीक है, वो क्या है, नॉन साइक्लिक है फोटो सिस्टम, तो फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन मिला वो फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी कि वो कहाँ पे यूज हो रहा, ग्रेनम के फेसिंग में, यानी कि बीच में से स्टार्ट हुआ ल्यूमेन से, थैलोकॉइड के ल्यूमेन से, ठीक है। अब आउटर लेयर की तरफ जा रहा कौन, फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी कि सेकंड कन्वर्ट हुआ, तो नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम फर्स्ट, उसके बाद साइक्लिक फोटो सिस्टम फर्स्ट से, फर्स्ट कहाँ पे होगा, साइक्लिक वाले स्ट्रोमल एवेन्यू में, ठीक है। इसलिए दोनों पार्ट होता है, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में कहाँ पे है, फोटो सिस्टम सेकंड से ले रहा है, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत पूछा जाता है, फोटो सिस्टम सेकंड में कहाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लोरोफिल ए, जो यहाँ पे क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड रेशो जो होता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इतना होता है, मतलब 32:1 कह सकते हैं। और इसमें मतलब ये दिया है 3:7.1, तो वही आप याद रख सकते हैं, 3:7.1, ठीक है, 3 या 7.1, ये ठीक। और इसमें 30:1 का रेशो होता है। तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा यहाँ पे पार्ट है जिसमें साइक्लिक फोटो रिलेशन और ये नॉन साइक्लिक वाला पढ़ते हैं, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा, फोटोलिसिस, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बेसिकली कहाँ पे, लाइट डिपेंडेंट, जिसमें हम लोग लाइट रिएक्शन होता है, लाइट इंडिपेंडेंट जो केल्विन साइकिल। अब यहाँ बेसिकली शुरू होता है प्रोसेस कहाँ से, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन से, नॉन साइक्लिक फोटो, ये देखिए साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन है ये। अब देखिए यहाँ पे फिगर पहले देख लीजिए, फिर हम आगे यहीं से फिर अगले वाले लेक्चर में भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और यहाँ पे गलतियाँ होने के चांस ज्यादा रहता है, आगे आपको बहुत आसान रहेगा। यहाँ पे सब हम डिफरेंस के रूप में याद कराएंगे, कई बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नॉन साइक्लिक का भी हम लोग बात किए, तो नॉन साइक्लिक में सबसे पहले क्या होगा, फोटो सिस्टम सेकंड, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड 6H2 पे हो रहा है, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसे, और यहीं से स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस, लाइट पड़ा। और यहाँ पे देखिए H2O का ब्रेक डाउन में क्या रिलीज हो रहा है, 4H हाइड्रोजन आयन, ठीक
ठीक है, जो रिडक्शन में यूज होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, और ऑक्सीजन रिवॉल्व हो रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तीन चीजें ही रिवॉल्व हो रही है। नहीं मतलब कि अगर हमारे पास 2 वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, एच न्यू पढ़ने पे 680 लाइट पे, तो क्या बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे बहुत सारे कैटालिसिस भी यूज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं तीन आयरन, ये तीनों याद रहना चाहिए, मैग्नीज, क्योंकि अब मिनरल वाला चैप्टर है ना, यहाँ से पूछा जा सकता है, मैग्नीज, कैल्शियम, ठीक है, और ये भी हेल्प करता है फोटोलिसिस में, और क्लोराइड आयन भी हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन अब प्राइमरी एक्सेप्टर क्वांटासोम से क्या होगा, क्यू नॉइड बोलते हैं इसको, ये एब्जॉर्ब कर लिए, ये सब हम पढ़ाएंगे। अब इसके बाद फियोफाइटिन और ये फाइकोलिन, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट में चला जाएगा। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट फिर प्रोसेस करेगा, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन से फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला। अब ये साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन करता है, देखिए ये ऐसे फिर घूम जाता है, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसके देखिए, ये पूरा सारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले लाइट रिएक्शन, हम लोग डार्क रिएक्शन, आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। भाई आर्यन जल्दी जुड़ जाया करिए प्लीज, 10 मिनट यार, हमें पता है आप जग जाते हैं लेकिन इधर उधर घूमते रहते हैं। यस तो ये मतलब कि आपको जैसे फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा इंट्रो हुआ है, अब यहीं से मान लीजिए हमें बेसिकली पढ़ना समझने वाली चीज है, और ये एक बार समझ में आ जाएगा ना तो कभी भूलेगा नहीं, क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता नहीं तो। अभी जैसे कि आपको ये सब क्वांटासोम वगैरह, ये स्ट्रक्चर हमने बता दिया बेसिकली, और अब हम लोग यहीं से फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड से ही स्टार्ट करेंगे, और बेसिकली मतलब कि देखा जाए जो चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्या